साथियों, मां भारती के वीर सपूत जो भारत मां की अस्मिता, उसकी भूभागी अखंडता को सुरक्षित करने के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उन सैनिकों के लिए मैं कहना चाहता हूं, तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते विहंस कर, देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देते। मां भारती के लिए अपना सर्वस्व नेछावर करने वाले वीर सपूतों के आज ये परिस्थितियां हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो प्रधानमंत्री जो शर्मनाक तरीके से सैनिकों की शहादत के लिए वोट मांगते हैं, वो सैनिकों के हितों के को संरक्षित करने में, उनके हित पर सत्ता का आश्रय देने में ये सरकार बड़ी बेशर्मी से पीछे हट जाती है। आप याद कीजिए, जब अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि एक लंबे समय से भारत की सरकार इस योजना के बारे में विचार कर रही थी और इसको हमने आज लागू किया है। उन्होंने 2-3 दशकों का हवाला दिया था, जबकि ये सरासर झूठ परोसा गया। इस देश के सैनिकों के साथ अन्याय की कहानी एक झूठ की पृष्ठभूमि के साथ लिखी गई। आप याद कीजिए, आजाद भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने आप ही पत्रकार साथियों को दिया था, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि वे चाहते हैं कि सैनिक और सेना के अधिकारी अपनी पूरी सेवा प्रदान करें। खासकर वो सैनिकों के लिए चिंतित थे। वो तो यह तक उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि 15-17 साल की सेवा के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है और फिर से वो कहीं अपनी नौकरी की तलाश करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो वो चाहते थे कि उन सैनिकों को और सेना के अधिकारियों को, बाकायदा एक नोट भी सर्कुलेट किया था जो सोशल मीडिया पर काफी उस समय वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने डिफेंस के ऑफिसर्स और सैनिकों की किस प्रकार आयु में उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जाए, इस पर प्रकाश डाला था। फिर आइए, हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि समूची सेना इस बात से चौंक गई थी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दंभी और अहंकारी सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई। हम सब हतप्रभ थे कि कैसे हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो, सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है, उन सब से वंचित कर दिया गया उसको। पहले काफी दिनों तक डिबेट रही एक टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर, जैसे समूचे विश्व में टूर ऑफ ड्यूटी चलती है कि आम देश के नागरिक भी सेना को कुछ समय के लिए ज्वाइन करते हैं और उस सेना को भी शायद ये इंप्रेशन था कि इस टूर ऑफ ड्यूटी के संदर्भित विषय में बात होगी। अब उसके बाद
आपको याद होगा, अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए कि 2019 से 21 के बीच लगभग 97 अलग अलग प्रांतों में भर्तियां सैनिकों की निकाली गई। उनकी 90% तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एक उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन एक उनकी होती है, वो एक औपचारिकता बची थी जिसको बार बार समय दिया गया। कोविड के नाम पर भारत की सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ती रही, जबकि प्रधानमंत्री कहते थे कि इस आपदा में अवसर को तलाशना चाहिए। याद कीजिए, किसानों के खिलाफ काले क्रूर कानून उसी दौरान लाए गए क्योंकि उनके धन्ना सेठों को उनको पोषित करना था। अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद मोदी सरकार देश की नहीं सिर्फ सत्ता के लोभ में डूबी रही। आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जिसने कोविड के क्राइसिस के बाद सेंसस नहीं कराए हो। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इस कोविड के क्राइसिस के बाद, जो हमारे हिंदुस्तान की पेंडिंग इकोनॉमिक सेंसस थी, वो नहीं कराई हो। पूरे विश्व में ये प्रथा है कराने की, इससे हमारे छोटे और मझोले उद्योग के संदर्भित विषय पर हमको जानकारी मिलती है। हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चर सेंसस नहीं कराया इन्होंने। तो इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश की बेटियों को, इस देश के उद्योगों को, सबको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।